हेलो गाइस, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं गाजा का रेसिपी। कोई भी फेस्टिवल पर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बिना देर किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए बाउल ले लिए हैं, इसमें मैदा रख देते हैं। हमने 2 कटोरी मैदा ले लिए हैं। इसमें हमने सोडा ले लिए हैं, ये खाने वाला सोडा है, मीठा सोडा, इसमें रख देते हैं। ये हमने घी ले लिए हैं, इसे गरम कर लिए हैं, हल्का गुनगुना है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। गरम पानी ले लिए हैं, हल्का गुनगुना है, ज़्यादा गर्म नहीं है। आटा की तरह इसे डो लगा लेते हैं। इसे हम अच्छे से डो लगा लिए हैं। अब इसे हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद दिखाते हैं। 10 मिनट हो गया है, आटे को चेक कर लेते हैं। हमारा आटा अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसे साइड करते हैं, इस पर अपना आटा रख लेते हैं। इसे ज़्यादा नहीं मसलना, नहीं तो लेयर नहीं बनेगा अच्छा से। इसे पर बेल लेते हैं बेलन से। हमने इसे अच्छे से बेल लिए हैं। अब इसे कट कर लेते हैं, साइड से इसका किनारा हटा लेते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा सा लेयर आया है। इसी तरह हम सारे गाजर को तैयार कर लेते हैं। हमने सारे गाजर को बनाकर तैयार कर लिए हैं, देखिए इतना ही मोटा चाहिए। अब इसे साइड करते हैं, गैस पर तेल रखते हैं गर्म होने के लिए। तेल को गैस पर रख दिए थे गर्म होने के लिए। हमारा तेल गर्म हो गया है, हम तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। ये रिफाइन ऑयल है, इसमें हम गाजर रख देते हैं। एक बार में हमारा सारा गाजा इसमें चला गया है। अब इसे पकने देते हैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारा सारे गाजा तैरते हुए ऊपर आ चुका है। अभी इसको नहीं छुएंगे, हाई फ्लेम पर इसे पकने देते हैं 1 से 1.5 मिनट, उसके बाद इसको पलटेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो गया है, अब इसे पलट देते हैं। अभी ये बहुत सॉफ्ट रहता है, धीरे धीरे से पलट देंगे। हमने सारे गाजे को पलट दिए हैं। अब इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट पकने देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। हमारा गाजा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे फ्राई करने में हमको 15 से 20 मिनट लग गया है। ये लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई कर लिए हैं। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे गाजे को निकाल लिए हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे साइड करते हैं और गैस पर हम कढ़ाई रखते हैं चाशनी बनाने के लिए। मैं गैस पर कढ़ाई के रख दिए हैं, इसमें पानी रख देते हैं। ये कटोरी पानी है, उसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी रख देते हैं। 2 कटोरी चीनी रख दिए हैं। अब इसे पकाते हैं, पहले इसमें उबाल आने देते हैं। हमारा चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम नींबू का रस रख देते हैं। नींबू का रस इसमें रखने से पापड़ी नहीं जमता है गाजा के ऊपर चीनी का। अब थोड़ी सी इसे और पकने देते हैं, एक तार के चाशनी बनाएंगे। हमारा चाशनी बनकर रेडी हो गया है, ये चिपचिपा हो गया है, ये देखिए इतने ये चाहिए एक तार का चाशनी। अब चूल्हा को हम ऑफ कर देते हैं। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा किए हैं, ये पूरे गर्म है। इसमें अब गांजा को रख देते हैं एक एक पीस कर कर। एक मिनट के लिए इसी तरह रहने देते हैं। मिनट हो गया है, इसे पलट देते हैं कि दोनों तरफ से अच्छे से इसमें चाशनी अंदर चला जाए। तो ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो इसे 10 से 15 मिनट इसी में रहने दीजिए। कम मीठा खाना पसंद हो तो सिर्फ डिप करके निकाल दीजिएगा। ये
एक से दो मिनट हो गया है, अब इसे निकाल देते हैं। सारे गाजर को प्लेट में रख दिए हैं, अब इसे साइड करते हैं। हमारा गाजा बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए कितना शानदार हमारा गाजा बना है। इसे बनाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत झटपट से ये बन जाता है। इसमें कितना अच्छा सा लेयर आया है, आप कोई भी त्यौहार पर इसे बना सकते हैं। अब हम तोड़ कर दिखाते हैं, ये देखिए कितना शानदार है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, बहुत शानदार बनेगा। हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।